भाई आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक रिक्शा आया हुआ है, ठीक है, विक्टोरिया कंपनी का रिक्शा आया हुआ है। और देखिए दोनों तरफ हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक तरफ अमन बैठा हुआ है और दूसरी तरफ अमन टू बैठा हुआ है। दोनों अमन अमन है दोनों का नाम, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गाड़ी के अंदर आपको ब्रेक शू कैसे डालना है, पहिया खोल के ब्रेक शू कैसे डालना है और पहिए की सर्विसिंग आपको कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत आराम से दिखाएंगे सब कुछ अच्छे से, रुक जाओ, तो सब कुछ अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए हमारा स्टूडेंट बहुत जल्दी में है करने की काम, और गाड़ी लगी हुई है और भाई को जाना है। ये हमारे ड्राइवर साहब है, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से औज़ार आपके लगेंगे, आपको पहिए के ब्रेक शू कैसे बदलना है, पहिए को कैसे खोलना है, हर सब कुछ आपको अच्छे से बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमने औज़ारों को आपके लिए सजा दिया है ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाएँ। देखिए पहले पिलास आपको चाहिए, फिर एक एक्सल चाहिए आपको, एक हथौड़ा चाहिए, एक 12-13 की रेंच चाहिए आपको, और एक गुटका टामी चाहिए, वो है 30 नंबर। आप पाना भी ले सकते हैं, ये गुटका टामी है, आप पाना भी ले सकते हैं। बाकी एक आपको एल्कैन चाहिए और एक छोटा सा पेचकस चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सब कुछ आपको करके दिखाते हैं किस तरह से हम इसके ब्रेक शू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अमन काम करो फटाफट। तो देखिए इस तरह से हम गुटका टामी को लगा के हथौड़े की मदद से ढीला कर लेंगे, और ढीला करने के बाद इसको इस तरह से खोलेंगे। एक जगह गुटका टामी को रोक लो, हाँ, तो बाकी आप इतना तो आराम से कर ही लेंगे, क्योंकि 2-4 वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दिए हैं पहिया खोलने के ऊपर भी। तो देखिए पहिया हमारा जब आप नट को खोल देंगे तो ये पहिया हमारा बाहर निकलता नहीं है, इसको बाहर निकालो ऐसे। देखिए नट हमने खोल दिया 30 नंबर, मगर पहिया बाहर नहीं आएगा। देखिए इतना हार्ड होता है ये, इसीलिए कंपनी एक्सल ड्रम लगा के देती है इतना फिटिंग का, ताकि ये पहिया बाहर ना आए, ठीक है। नट भी अगर ढीला हो जाए तो ये बाहर ना आए। तो अब इसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्सल लगाना है इसमें, इस तरह से इसके एक्सल के ऊपर एक्सल लगाना है, ठीक है, और हल्का हल्का हथौड़ी की मदद से ठोकना है। जब हल्के से 2 हथौड़ी आप मारेंगे तो ये पहिया आराम से बाहर निकल आएगा। कभी कभी ज़्यादा टाइट होता है तो 4-5 हथौड़े मारना पड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ड्रम की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ड्रम हमारा देखिए जहाँ तक के देखने में आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है, मगर चिकना देखिए कितना हो गया है, ये चिकना हो गया है। और मेरे हिसाब से गाड़ी को 3 महीने में 2.5 महीने में एक बार खुलवा दिया करिए, ताकि ये जो चिकनापन इसमें आ जाता है इससे कटता है और ब्रेक शू भी कटते हैं, ब्रेक अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर अच्छे से रेकमाल लगाएंगे। रेकमाल अगर ना हो तो क्या लगाएं आप, वो सब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब देखते हैं ब्रेक शू की कंडीशन। हाय हाय, अरे बाप रे बाप, ब्रेक शू देखिए आप कितने ख़राब हो चुके हैं भाई, बिल्कुल मतलब धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको निकालो बाहर। देखिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक पेचकस लेना छोटा सा, तो एक छोटा सा आपको पेचकस ले लेना है और पेचकस से आपको इसकी दोनों लॉकें निकालना है। देखिए निकाल के अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए इस तरह से आप हल्का सा एक तरफ से उठाएंगे और ये हमारी लॉकें निकल आएंगी। देखिए दोनों लॉकें हमारी निकल आई हैं, और फिर इसके ऊपर लगा होता है एक चश्मा, तो ये चश्मे को भी हम निकाल लेंगे। चश्मा निकल गया हमारा और ये ब्रेक शू हमारे निकल गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने इतना इसको घिसा है, इतना घिसा है, ऐसे धज्जिए मारी हैं, ये देखे खाली ऐसे धज्जिए उड़ाई हैं इसकी, कि बिल्कुल निशान वगैरह भी बिल्कुल घिस गए हैं इसके, और ब्रेक शू भी ख़राब हो गए। उसके साथ साथ इतना लोड पड़ा है पहिए के ऊपर कि खूंटियाँ भी हिल हिल के टूट गई हैं देखिए यहाँ की। तो अब क्या करेंगे, अगर इनके पास पैसे होंगे तो हम नहीं डाल देंगे ड्रम प्लेट, अगर पैसे नहीं होंगे तो इसी को वेल्डिंग करवाएंगे। यहाँ पे आप इसको वेल्डिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम वेल्डिंग करवाएंगे, उसके बाद अभी आपको वीडियो आगे दिखाते हैं, ठीक है भाई। अभी इधर वाला तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इधर वाला भी पहिया देखिए खुला हुआ है, और इधर वाले पहिए में हमारी जो खूंटियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक है।
तो इधर वाला हमारी देखिए ड्रम प्लेट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आपको ब्रेक शू फिट करके दिखाएंगे और इधर वाला पहिया आपको पूरा बांध के दिखाएंगे कैसे आपको पहिए को पूरा बांधना है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, हर चीज़ आपको बारीकी से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। सबसे पहली बात, जब हमारे ब्रेक शू ख़राब होते हैं तो ये केम देखिए तिरछी हो जाती है, इस तरह से पूरी टेम केम खड़ी हो जाती है, क्योंकि आगे वाल यहाँ पे पूरा नट टाइट हो जाता है। वो देखिए ढीला कर रहा है स्टूडेंट हमारा, देखिए यहाँ पे पूरा इसको ढीला कर दिया है, ठीक है। अब ये केम हमारी सीधी हो जाएगी। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि पूरी केम को ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद आपको इसको अच्छे से पोंछना है, जो भी गंदगी है ताका वगैरह फंसा हुआ है। सर्विसिंग भी हम साथ में कर देते हैं, जब हम ब्रेक शू को डालेंगे तो सर्विसिंग भी साथ में करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ब्रेक शू को डाल दिया, अच्छा काम करके देंगे कस्टमर को ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए। तो इसको अच्छे से हम पोंछ लेंगे एक एक पार्ट्स को, जितना हो सकेगा गंदगी छुटा लेंगे इसकी। क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है, आप जितनी अच्छी सफाई करेंगे उतना कस्टमर खुश होगा आपसे। और काम का तरीका ही यही है, जिसके काम में सफाई नहीं है वो काम ही नहीं अच्छा है। कस्टमर भी बाद में कहता है कि भाई ने ऐसे ही बांध बूंद दिया और जो है जल्दी में बांध दिया, ना सफाई करी ना कुछ करा, काम हमको समझ में नहीं आया। तो काम हमको अच्छा करके देना ताकि कस्टमर एक बार नहीं बार बार आए, ठीक है। तो देखिए अच्छे से इसको चमका दिया, बिल्कुल नई कर दी हमने ड्रम प्लेट। और अब हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस कहाँ कहाँ लगानी है तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है अच्छे से। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ग्रीस लगाना है केम के ऊपर। और ग्रीस क्यों लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है ताकि हमारी केम फंसे ना, जाम ना हो, फ्री फ्री चले, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ग्रीस लगाएंगे अच्छे से, देखिए यहाँ लगा दिए। जैसे यहाँ पे हमारे ब्रेक शू चलते हैं, उठते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे भी हमको ग्रीस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमारे देखिए ब्रेक शू हैं सिवाय के, ये सिवाय के हमारे ब्रेक शू हैं। और देखिए जो नया ब्रेक शू होता है उसमें देखिए घाट कितना होता है, ये देखिए जो घाट होता है यहाँ का काफ़ी घाट होता है। और जो पुराने ब्रेक शू लाओ जरा, देखिए पुराने ब्रेक शू में घिस जाते हैं, देखिए इसमें और इसमें देखिए आप कितना फ़र्क है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ब्रेक शू ख़राब हो गए। जैसे आप नया डिब्बा लेते हैं और नए डिब्बे के साथ जब पुराने को रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो घाट है या गड्ढा जो होता है वो बचा ही नहीं है, प्लेन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए कितना गहरा गड्ढा है, जब तक जब ये गड्ढा हमारा हल्का सा बिल्कुल बसता है तो समझ लीजिए ब्रेक शू ख़राब हो गए। एक तो ये निशानी है, बाकी हम लोग को तो फ़िलहाल ऐसे ही पता चल जाता है। बाकी आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, देखिए इसमें घाट बिल्कुल चिकना हो जाता है और इसमें अभी घाट है, ये नया है, जब ये घिस जाएगा तो भी इसी की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो नए और पुराने को साथ में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये घिस गया है। चलो इसको फिट करो। तो अब देखिए आपको फिट कैसे करना है, इसमें बीच में स्प्रिंग लगी होती है, तो इस तरह से आप फंसाएंगे इसको, तो इस तरह से आप फंसा सकते हैं ब्रेक शू को, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने देखे एक चश्मा लगाया, अब यहाँ पे लाके लगेंगे, देखिए लाख लगा दी हमने, ये भी लाख लगा दिए, ठीक है। अब देखिए ये केम हमारी कैसे चलती है, अभी हम आपको वहाँ से दिखाएंगे। अभी हम पैंडल को जब दबाएंगे तो ये केम उठेगी, ये केम उठेगी और ये ब्रेक शू ऊपर ऊपर को भागेंगे ब्रेक ड्रम में चिपकने के लिए। देखिए देखिए हम आप दबाओ ब्रेक दबाओ, देखिए इस तरह से हमारे ब्रेक शू ये काम करते हैं। केम यूँ उठती है, यूँ उठेगी ब्रेक शू को उठाएगी और ये ड्रम में जाके चिपक जाएंगे ब्रेक शू, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट अब ये है कि आपको ड्रम पे अच्छे से रेगमाल लगाना है। आज मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, अगर आपका ड्रम चिकना है, ठीक है,
तो सबसे पहले आप इस पर रेखमाल लगाइए, अच्छे से रेखमाल लगाइए, इसको बिल्कुल खुरकुरा कर दिए ताकि जो है चपाचप इस पर ब्रेक लगे, ठीक है। तो अच्छे से रेखमाल लगाइए। और एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ इसमें, इधर लाओ रेखमाल। अब मान लीजिए हमारा रेखमाल हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो आपके पास रेती तो होगी, रेती का तो काम पड़ेगा ही ना, रेती भी एक रख लिए। और रेती से क्या करिए, रेती से लगाओ इस पर, रेती से आप निशान मार दिए इस पर, इस तरह से रेखमाल से। तो देखिए ड्रम चिकना हो सकता है, मगर जो रेती आप मार देंगे इस पर तो जल्दी हमारा ड्रम चिकना नहीं होगा, कुरकुरा रहेगा, तो ब्रेक हमारी और अच्छी लगेगी। तो कस कस के उसको खुरच दिए, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हल्का हल्का रेखमाल भी मार दिए, और इस पर आपको अच्छे से लगाना है। तो आपने देखा होगा कि मैंने ग्रीस वगैरह भी लगा दी, सफाई भी कर दी, और इसमें जो है ब्रेक शू भी अच्छे से डाल दिए। आपने पूरा तरीका देख लिया, किस तरीके से मैंने आपको दिखाया और सिखाया, ठीक है। बाकी इसके जो कमानी के बोल्ट हैं वो भी आप टाइट कर लिए, इधर के टाइट कर लिए। और एक बात और है, इसमें भी ऑयल डलता है, अभी हम आपको ऑयल दिखाते हैं डाल के, कहाँ ऑयल डालना है आपको। तो ये भी देख लिए ऑयल कहाँ कहाँ डलता है, देखिए यहाँ पे ऑयल डालना है आपको, यहाँ पे भी डालना है ऑयल आपको कमानी में, ठीक है। तो दो काम हमने एक साथ करे, एक तो हमने ब्रेक शू डालना सिखाया आपको, और इसी तरह से सर्विसिंग भी होती है, तो इसकी सर्विसिंग भी हमने कर दी है। बाकी आप ये बैरिंग खोल के बैरिंग के अंदर भी ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें भी ग्रीस लगा लिए, पूरा मतलब पूरा काम हो जाएगा जब आप सर्विसिंग करिए। तो ये चार बोल्ट खोल के इसको एक्सल को बाहर निकाल के इसमें ग्रीस वगैरह लगा के आप फिर बांध दीजिए, ठीक है। अब हम आपको पहिया बांध के दिखाएंगे जैसे हमने खोला था। तो इसको अब हम पहले फिट करेंगे इस तरह से, पूरा रेखमाल एकमाल लगा दिया हमने। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है एक चाबी लगी होती है, देखिए यहाँ पे वो चाबी लगाना बहुत ज़रूरी है, ये चाबी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चाबी आपने नहीं लगाई तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, ये समझ लीजिए। और ये चाबी नहीं लगाएंगे आप तो, ये चाबी हमारी गाड़ी को चला रही है, इतनी सी चाबी बहुत बड़ा काम करती है, ठीक है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका खास करके आप ध्यान रखें, इसको लगाओ, देखिए यहाँ पे लगती है चाबी। देखिए इस तरह से चाबी हम लगा देंगे, और उसके ऊपर हम लगाएंगे नट, और ये नट होता है हमारा 30 नंबर भी होता है, 32 नंबर भी होता है, ठीक है। तो फिर इसको गुटका टामी से हम टाइट करेंगे अच्छे से, और टाइटिंग आपको बहुत अच्छी करना है ताकि हमारा पहिया ढीला ना हो, और इसको हथौड़े की मदद से टाइट करना है। देखिए हम कितनी बेरहमी से इसको टाइट करेंगे ताकि ये ढीला ना हो। इसी तरह से आप भी पहिए को टाइट करा करिए, ठीक है, क्योंकि पहिया टाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहिए पे ढीलिंग छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो पहिया भी निकल सकता है बाहर। तो पहिए में कोई मुरव्वतबाजी नहीं करना है, आपको अच्छे से हथौड़े की मदद से ठोकना है, जब तक के इसको टाइट करना है जब तक के हमारा यहाँ चीरा पिन का छेद ना आ जाए। ये जो हमारा चीरा पिन का छेद होता है, चीरा पिन लगाओ यहाँ पर, और चीरा पिन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, इसको नहीं भूलना है लगाना, कुछ भी हो जाए ये चीरा पिन लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे कोई हादसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने चीरा पिन को लगा दिया है इस तरह से। अगर आपको मेरा समझाने का सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ यूट्यूब चैनल पे, मोटर की, कंट्रोलर की, पहिए की और मतलब हर चीज़ की वीडियो बनाता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो उससे क्या होगा, जब मैं कोई वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।